नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल वेंचर विद विनोद को। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शाइन एसपी 125 के बारे में। 125 का मैंने रिव्यू चैनल के ऊपर डाला हुआ है, पर मैंने इसका ना अभी तक रोड राइड रिव्यू नहीं डाला, ठीक है। जो 2023 और 24 में जो अपडेट होकर आने वाली है उसमें क्या क्या कुछ ज़्यादा मतलब कि चलने फिरने में कैसी रहेगी, वो सब चीज़ें दिखाने के लिए आज मैं इसका टेस्ट राइड लेने वाला हूँ। और क्योंकि 2023 में जो अपडेट हुआ है वो 24 में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं होने वाला, तो करीब करीब 24 में भी सेम बाइक ही रहने वाली है, तो उसी का हम लोग आज रोड राइड रिव्यू करेंगे रिकॉर्ड, और देखते हैं इसके अंदर की चलने में कैसी है, इसके ब्रेक्स वगैरह कैसी हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये होने वाली है अपनी शाइन एसपी 125। मैंने आपको अभी दिखा दिया, एक बार ओवरऑल लुक दिखा देते हैं कैसी दिखती है। देख सकते हो ग्रीन वाला कलर है मेरे पास, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कलर है इसका। तो 2023 और 24 में मैंने बता दिया, 24 में ज़्यादा कुछ अपडेट होने वाला नहीं है, करीब करीब थोड़ा बहुत रहेगा, बाकी डिज़ाइन ही रहेगा। तो ऐसा कुछ दिखती है। बाकी अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको, जब आप बैठोगे इसके ऊपर तो कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा, ठीक है। तो अभी देख रहे हो ना, बैठने के बाद कुछ ये ऐसी दिखेगी, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो आपका जो कॉकपिट व्यू एक हिसाब से कह सकते हो वो कुछ ऐसा रहेगा। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी चलती है ये बाइक। तो अभी सेल्फ़ मारते हैं। तो सेल्फ मैंने मार दी, लेकिन इसमें ना साइलेंट स्टार्ट आता है, इसलिए ना आवाज़ इसमें ज़रा सी भी नहीं हुई कि बाइक स्टार्ट की गई है। इंजन की आवाज़ है ये इसके, और जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, एकदम साइलेंट और ऐसे हल्का सा बेस के साथ है। तो चलिए फिर इसको लेके आते हैं एक टेस्ट राइड इसकी। तो एक गियर इसमें डाउन करना पड़ता है, बाकी पीछे साइड को पढ़ते हैं, मतलब वन डाउन बाकी अप, ऐसा कह सकते हो। पांच गियर इसके अंदर मिलते हैं। अभी 40 तक जाने में कोई दिक्कत हुई नहीं है, आराम से चली गई 40 तक। और तीसरे की चौथे गियर में है, मुझे चार गियर की आदत है तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, बाकी देखते हैं। ब्रेक्स भी अच्छी हैं, ठीक है। थोड़ा सा गियर की मुझे दिक्कत लग रही है, गियर कैसे रहेंगे। ओवरटेक में भी अच्छी है पिकअप, मैंने देखा ओवरटेक कर लिया एकदम से, ऐसा नहीं है कि पावर कहीं लॉस होती है, बढ़िया FI इंजन है तो ओवरटेक भी अच्छा ही करेगी। और इसको एक प्लेन रोड पे लेके चलते हैं, फिर वहाँ पे इसका ब्रेक टेस्ट और इसका थोड़ा सा स्पीड वगैरह का टेस्ट कर लेंगे, तो पता लग जाएगा कि कैसी है चलने में। अभी थोड़ा सा हल्का सा इंजन में ना लैग फील हो रहा है, लैग इसलिए कि सर्दी का महीना चल रहा है और इंजन जब तक गर्म ना हो जाए ना तब तक मज़ा नहीं आता बाइक को चलाने में। तो अभी जब 2-4 किलोमीटर चल जाएगी तो इंजन हो जाएगा सर गर्म, फिर आपको मज़ा आने लगेगा बाइक को चलाने में। तो ये हल्का सा लैग हो रहा है, ऐसे लैग भी हो रहा है थोड़ा सा, इसका चेन वगैरह का लगता है सेटिंग मतलब कि अभी नहीं है ना, तो हो सकता है कि हाँ चेन वगैरह का सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हो। बाकी पिकअप तो एकदम ज़बरदस्त है, पिकअप आप लोग देख सकते हो, मिंट से पहले इसमें 50-60 होते हो, इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है, बड़े आराम से 50-60 की स्पीड पकड़ लेती है ये। अभी हम इसको करेंगे फर्स्ट गियर से स्टार्ट, ठीक है। अभी फर्स्ट गियर में है, ठीक है, और अब इसको हम देखते हैं कि ये मतलब कि इसकी क्लच की कैसी है, क्लच जो इसका है ना वो कैसा है। तो अभी फर्स्ट गियर में मैंने पिकअप लिया, क्लच वैसे अभी तक भी मुझे स्मूथ ही लग रहा था, अब थोड़ा सा मुझे हल्का सा टाइट लग रहा है क्योंकि बार बार चल बंद रही है बीच में ना। क्लच वैसे स्मूथ है, ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, क्लच अच्छा है इसका, क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब कि गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है हल्की सी है, वो आगे चल के सही भी हो जाएगी जब इसका इंजन थोड़ा सा घिस जाएगा ना, जो कहते हैं पुराना हो जाएगा, रवा हो जाएगा, तो वो अच्छी हो जाएगी। तो अब ये 56 पहुँच गई है और 60-70 तो ये आराम से चली जाएगी, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और फिफ्थ गियर में है, यहाँ पर गियर पोजिशनिंग दिखाता रहता है और टाइमिंग वगैरह दिखाता रहता है, तो हॉर्न की आवाज़ भी आप सुन लो रहे हो, हॉर्न कैसा है, हॉर्न चेंज करा सकते हो, हॉर्न थोड़ा सा कमज़ोर सा ही लग रहा है। और बाकी 58, 59, 61 स्पीड लिमिट ही यहाँ पे हमारी ना 60 है, ज़्यादा मैं तेज़ चला भी नहीं सकता, नहीं तो पुलिस मेरा चलान काट देगी।
तो 67 के बाद 72 80 तो चली जाएगी, 80 तो यही टच कर जाएगी। 80 टच करने के बाद ब्रेक्स देखते हैं ब्रेक कैसी है। ब्रेक्स भी अच्छी हैं, आराम से आ गई नीचे। अब यहीं से हम लोग यूटर्न ले लेते हैं एक बार, अब की करेंगे इसका ब्रेक टेस्ट। तो पिकअप देख रहे हो थर्ड गियर में है ये, फोर्थ गियर में तो और भी तेज भागेगी ये, फिफ्थ गियर में तो पूछो मत, फिफ्थ गियर में तो ये 80 आराम से टच हो जाती है, और 67 रास्ता ख़राब है, ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। ब्रेक्स अच्छे अप्लाई हो रहे हैं, लुक्स मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं। पीछे का जो टायर थोड़ा सा कर दिया ना सही, पहले पतला आता था थोड़ा चौड़ा टायर कर दिया ना, इससे जो इसका ऐसे कटिंग कुटिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है। अब थोड़ा सा सुपर हैवी बाइक जैसा फील आता है 150 cc वाले यामाहा जैसी बाइक्स का। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे ब्रेक टेस्ट, तो पीछे कोई आ ना रहा हो नहीं तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा लेके, तो वापस से आके ही करेंगे इसी रोड पे। उधर से रोड ज़्यादा खाली है, इधर से थोड़ा सा बिजी चल रहा है। बाइक में मतलब कि इतनी स्मूथनेस है ना, अभी देखो इसका इंजन गर्म हो गया, इतने आराम से भाग रही है, 60-70 आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी वाइब्रेशन इंजन की आवाज़ जो होती है ना जैसे हीरो की बाइक्स में होता है वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम साइलेंट, एकदम अपने मज़े में। फील भी नहीं होगा कि आप किसी बाइक के ऊपर बैठे हो 125 cc के ऊपर और आप उसको 60-70 घसीट रहे हो, ठीक है इतनी स्पीड में तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आराम से चलेगी एकदम स्मूथ साइलेंट। 60 तक इकोनॉमी में रहती है, उसके बाद फिर ये हाइपर में चली जाती है, जब तक लाइट जलती रहेगी तब तक ये इकोनॉमी में रहेगी। अभी यहाँ करेंगे इसकी ब्रेक टेस्ट, ठीक है। अभी ये आराम से 40 है, 50 60 पाँचों गियर लग चुके हैं, अभी से करते हैं ब्रेक टेस्ट। ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, ब्रेक्स ने तुरंत ही अपना काम कर दिया है। CBS मिलता है इसके अंदर, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, तो जिससे इसकी जो ब्रेक्स है ना वो एकदम से परफेक्ट, जो पावर है ना वो एकदम तुरंत मिल जाती है। तो ये थी अपनी बाइक होंडा शाइन, जिसकी ब्रेकिंग जो है ना वो ब्रेकिंग को मैं अगर 5 में से रेटिंग देना चाहूँ तो 5 में से मैं इसकी रेटिंग दूंगा 4, और जिसके क्लच वगैरह है ना उसकी अगर रेटिंग आप में से लेंगे 5 में से तो मैं 5 में से उसको 4 देना चाहूँगा। और अगर आप इसके जो मतलब चलने का जो इसका तरीका है साइलेंट मतलब कि ज़्यादा फड़फड़ाती खड़खड़ाती नहीं है ना, उसमें 5 में से 5 मिलेंगे इसको बड़े आराम से। बाकी फिर कभी मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँगा कि ये कैसी चलती है, माइलेज इसका कितना आता है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा आगे की वीडियो में। फ़िलहाल के लिए आपने इसका रोड ड्राइव रिव्यू देखा, और अगर वीडियो से ज़रा से भी आपको मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको मिली होगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,